नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी दाना मेथी की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बिल्कुल आसान। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने एक बार ही खा ली तो इसे आप बार बार खाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, साथ में हेल्दी भी बहुत है। तो जब भी आपका मन करे कुछ अच्छा खाने के लिए या आप डाइट पे हैं तो आप इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं दाना मेथी की सब्जी। ये देखिए इस तरह से मेथी होती है। ये राजस्थान में बहुत बनाई जाती है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर आप हफ्ते में एक से दो बार इसे खा लो तो आपका पेट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो पहले हम इस मेथी को अच्छे से धो लेते हैं। तो एक बाउल ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं अपने मेथी को। अब इस मेथी को हम अच्छे से धो लेते हैं। मैं इसको हमेशा उबाल के बनाती हूँ। अगर आप उबाल के बनाना नहीं चाहते तो इसे 6-7 घंटे के लिए भिगो कर रख दें, उसके बाद इसको बना लें। तो उबालने से थोड़ा सा इसका कड़वापन निकल जाता है, इसलिए हम इसको उबाल कर बनाते हैं। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं एक से दो बारी। यहाँ देखिए हमने अपनी मेथी को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको डाल देंगे कुकर में। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, आधा गिलास पानी और डाल देती हूँ। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। यहाँ देखो हमारी मेथी उबल गई थी तो इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया और 1-2 बारी पानी से इसे अच्छे से धो लिया मैंने। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से बन जाती है। तो समझो हमारी ये जो मेथी है अच्छे से उबल गई है। तो अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर एक कढ़ाई ली, कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। यहाँ हमने 4 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक काट लिया है, साथ में लिया 3 से 4 हरी मिर्ची, उसको बारीक बारीक काट लिया है। इधर हमारा जीरा भी भुन गया तो डाल देंगे अपनी प्याज को। अब प्याज को भून लेंगे। यहाँ देखिए हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भून लेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है तो अब डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से चॉपर में बारीक कर लिया है तो उसको भी डाल देंगे। टमाटर के साथ ही हम अपने मसाले भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मिक्स कर देंगे। अब मसाला भुनने के लिए थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं इसमें, इससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो अब हम अपने मसाले को भुनने देते हैं। यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया, तेल भी अलग हो गया, हमने इसे लगातार चलाते हुए भुना है। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे अपनी मेथी को। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे बिल्कुल धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए। बीच में हम इसको चलाएंगे नहीं तो नीचे लग जाएगी। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं। ये हमारी सब्जी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप ढीली पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी छोड़ सकते हैं, पर हमारे राजस्थान में हर तरह की सब्जी बनती है, ढीली भी
और इस तरह से सूखे भी, और हमारे घर में ये सूखी ही बनती है, तो यहाँ मैं बिल्कुल सूखी बना रही हूँ। ये देखिए सारा पानी इसका सूख गया है, ये देखिए। तो ये हमारी सब्जी बन गई है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, अगर आपके पास धनिया हो तो उसमें धनिया डालें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी टेस्टी सब्जी। ये हमारी राजस्थानी स्वादिष्ट दाना मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी के साथ खाए, पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ में अगर इसके रायता हो तो इसकी बात ही कुछ और है।